अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दो इनक्यूबेटर दिखा रहा हूँ। एक ये बड़ा इनक्यूबेटर जो अभी चल रहा है, इसकी एग कैपेसिटी है तकरीबन 200 से 250 एट अ टाइम इसमें एग आ सकते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक है। उसके बाद ये हमारे पास एक छोटा इनक्यूबेटर पड़ा है, ये 65 एग का है, ये भी सेमी ऑटोमेटिक है। तो अभी हम बड़े इनक्यूबेटर के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पर जो कंट्रोलर लगा हुआ है, अच्छा कंट्रोलर लगा हुआ है, इस पर नमी भी कंट्रोल हो रही है और एट अ टाइम टेम्परेचर भी कंट्रोल हो रहा है। साथ ही इसके नीचे हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। होम्डिफायर इसके अंदर चल रहा है, ये इसका हीटिंग सिस्टम है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये फ़ैन लगाए गए हैं ताकि ये टेम्परेचर को हर तरफ मेंटेन कर सकें। उसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ वाला हिस्सा दिखा देता हूँ इसका। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये तीन ट्रे लगाए गए हैं जो कि बहुत ही खुले खुले हैं। आप इसके अंदर इजीली एग को रोटेट कर सकते हैं, इसके अंदर ट्रे को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर ट्रे को दो फैन लगाए गए हैं ताकि टेम्परेचर अतराफ में मेंटेन रहे, पूरा रहे। यहाँ पर आप नीचे पानी वगैरह रख सकते हैं, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं पानी रखा हुआ है मैंने। होम्डिफायर चल रहा है। उसके बाद मैं आपको छोटा इनक्यूबेटर खोल कर दिखा देता हूँ। इस पर छोटा कंट्रोलर लगाया गया है W1209, जिस पर सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल होगा। इसका दरवाज़ा नीचे की तरफ खुलेगा इस तरह से। आप ये इसके अंदर ट्रे लगाया गया है। यहाँ से मैंने आपको इसके दोनों डोर ओपन करके दिखा दिए हैं। वहाँ इसके अंदर ऊपर होम्डिफायर के लिए ये लगाया गया है, अडाप्टर लगाने के लिए, जिसको इस कंट्रोलर के साथ जोड़ा गया है। जैसे ये ऑपरेट करेगा अडाप्टर से करंट होम्डिफायर में आएगा और ये इस तरह से नमी बनाना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ हर किस्म का मियारी इनक्यूबेटर ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। अभी मैंने छोटा इनक्यूबेटर चला दिया है ताकि आपको दिखा सकूँ। अभी इसका टेम्परेचर इनक्रीज़ कर रहा है, 28 डिग्री हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि ये बढ़ेगा। अभी ये 28.1 पे चला गया। तो इसका भी टेम्परेचर वही है जो नीचे वाले का है। सभी इनक्यूबेटर में टेम्परेचर की सेटिंग एक जैसी होती है। इसका भी 37.7 तक गया है और इसका भी 37.7 पर तक ही जाएगा। मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ इसके अंदर का। इस ट्रे में आप एग रखेंगे, इस ट्रे में ये भी सेमी ऑटोमेटिक है। यहाँ नीचे इसके आप पानी रख सकते हैं और ये इसका डोर इस तरह से बंद हो गया।
इसी के साथ फ्रेंड मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।